क्या सच में अपने ऐसे होते हैं? मुझे लगभग 1.5 महीना हो गया हाथ टूटे हुए, और यकीन मानिएगा, जो भी मैं यूट्यूब में दिखा रही हूँ सब रियलिटी दिखा रही हूँ। मैं माँ बेटी सबने छोड़ा हुआ है, और कई सास से छोड़ा हुआ है, और ये हाथ टूटने में भी सबने छोड़ा हुआ है, फिर भी मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ। और ज़्यादातर मतलब थोड़ा बहुत तकलीफ़ होता भी है, लेकिन फिर भी हम जो भी हंसने बोलने खाने पीने का जो भी होता है, मैं ज़्यादातर मैं वही वीडियो शेयर करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि देखिए, मुझे पता है आजकल आंसू से मतलब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपका जख्म को और बढ़ाएंगे ही। मलहम बहुत कम लोगों के पास होता है, इसलिए मैं भी अपना गम दुख छुपाती हूँ, और जो भी मेरे से हो सके, मतलब नाटक तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन रियल मतलब दिखा रही हूँ कि प्रॉब्लम में होते हुए भी इंसान को ज़िंदगी जीना तो नहीं छोड़ना चाहिए, और भगवान ने चाहा तो ठीक भी हो जाएगा। तो उस वजह से मैं रोने धोने का वीडियो नहीं बना रही हूँ, तो लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि मतलब फेक है और तकलीफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी कह लीजिए उन लोग के मन में। लेकिन बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि चलो पास के रिलेटिव ऐसे कर रहे हैं तो समझ आ रहा है। आप यकीन कीजिएगा, जो दूर दूर के रिलेटिव हैं, जिनको सच बोलूं मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरी बेटियों ने कुछ नहीं बिगाड़ा, मतलब यहाँ तक कि बस ये सिंपल से कहती हूँ, मैं अपनी बड़ी बेटी का बर्थडे कर छोटी बेटी का बर्थडे पहला करने वाली थी, उसमें सोचिए हजारों लोग आते, और आज से ही बोलूँ मतलब रियलिटी बता रही हूँ, 5-10 लोग भी 2.5 साल से नहीं पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी कैसी है, मैं कैसी हूँ, या मेरा हाथ टूटा है। आप यकीन कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों को एक दूसरे से देखिए, चाहे सुख हो या दुख हो, आप छुपा ही नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं से सभी को पता चल गया है। लेकिन यकीन मानिएगा, इसमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे मतलब फ़ोन करना तो छोड़िए, मैसेज से भी नहीं पूछ रहे हैं कि भाई तुम कैसी हो। और यकीन मानिएगा, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैं कारण बता रही हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। और मतलब मैं तो कुछ दिन पहले तंग आके जानबूझ के कुछ यही दिवाली का फ़ोटो मैंने स्टेटस पे लगाया था कि देखती हूँ किसका क्या रिप्लाई आता है। तो कुछ तो देखिए, मेरे जो फ्रेंड्स हैं या जो भी हैं, जो मेरे अपना मतलब भला चाह रहे हैं, उन्होंने मैसेज भी किया, फ़ोन भी किया, बीच बीच में भी अपना पूछते हैं कि हाँ कैसे क्या केयर करना है, कैसे संभालना है। लेकिन यकीन मानिएगा, बहुत से रिलेटिव हैं, क्या मैं नाम बोलूँ, तो वो लोग ना स्टेटस देख के भी, मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन एक बार ना मैसेज कर रहे हैं, ना फ़ोन कर रहे हैं, ना पूछ रहे हैं। और यहाँ तक आप यकीन करेंगे, मैंने कुछ लोगों को अपना व्हाट्सएप पे फ़ोटो पर्सनली भेजा भी है, ग्रुप में कहिए या वैसे, कि हाँ मुझे ये तकलीफ़ हो गया, इसलिए मैं कोई भी फेस्टिवल में उस हिसाब से तैयार नहीं हुई हूँ। आप यकीन कीजिएगा, टाइम हो गया है प्लास्टर कटने का, मैं क्यों नहीं जा रही हूँ, और मतलब कटा तो डॉक्टर ने क्या बोला, आगे क्या कर रही हो, कैसे बच्चे को मतलब इतनी छोटी बेटी को संभाल रही हो, कौन देख रहा है, मतलब एक लाइन भी किसी को पूछने की फुर्सत नहीं है। और मतलब ये सब पता है क्यों हुआ, मैं जैसे पता होगा कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ से परेशान हूँ, अपनी ज्वाइंट फैमिली से परेशान हूँ, तो मैं जानबूझ के ना मतलब कुछ लोगों से मैं कट ऑफ हो गई हूँ, ताकि इधर की बात उधर ना हो, और मैं दिन रात बस ऑनलाइन और यूट्यूब में काम करती हूँ, और बस। और बेटी में भी बिजी थी, जब मेरा लॉकडाउन के टाइम पे ही डिलीवरी हुआ, तो पहले क्या मेरी आदत थी, कुछ भी हो जाए, जब से ये व्हाट्सएप स्टार्ट हुआ, मैं गुड मॉर्निंग चाहे मैं एमसी लाज कराने जाती थी, तो लाइन में मुझे मौका मिले या बस में सीट मिल जाता था, तब मैं गुड मॉर्निंग, मतलब मुझे मैक्सिमम लोगों को जो भी मेरे मोबाइल में नंबर रिलेटिव फ्रेंड्स के होते थे मैं ज़रूर भेजती थी। लेकिन जब से डिलीवरी हुआ और मैं फिर टेंशन में रहने लगी, जब लोगों अपनों ने
हमें मतलब मुझे और मेरी बेटी को ठुकराया, तो मैं थोड़ा सा लोगों से कटअप हो गई, क्योंकि जब आप खुद ही परेशान हो तो दूसरे के बारे में कितना क्या पूछेंगे। तो मैं खुद ही बहुत लोगों से मतलब ऐसे ही मैं कटअप हो गई, और मैक्सिमम लोग को पता है कि मैं परेशान हूँ, मतलब उन लोगों से परेशान नहीं हूँ, मैं खुद के अपनी लाइफ से परेशान हूँ। आप यकीन करेंगे, मतलब एक दूसरे से तो बात करते हैं आपस में, जो भी हो, यूट्यूब में अगर देख लिया या कहीं से अगर मेरे लाइफ के बारे में पता चला, लेकिन मुझे डायरेक्ट फ़ोन नहीं करते कि सच में आपके साथ गलत हो रहा है, आपकी बेटियों के साथ गलत हो रहा है, हम लोग हैं ना साथ, आप परेशान ना हो। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि दुनिया में कोई नहीं है, कुछ लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन मुझे जिनसे ज़्यादा उम्मीद थी ना, जिनको मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन यकीन कीजिएगा, पता नहीं दुनिया क्या हो गया है, वो एक बार पलट के नहीं पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई आप माँ बेटी अकेले कैसे ज़िंदगी बिता रहे हो, और हाथ टूटने के बाद मतलब घर कैसे संभाल रहा है, क्या हो रहा है। और आप यकीन कीजिएगा, एक और बात बोल रही हूँ, जब कोरोना का हुआ था पिक पे 2021 में, मेरी बेटी का बर्थडे होने वाला था, जब मैं बताई हजारों लोग का, उसी बीच में जब मैं भी बीमार पड़ी, और बहुत मैक्सिमम लोग जब बीमार पड़े, जब ये तूफान थमा था, मेरे मोबाइल में यकीन कीजिएगा जितने फ्रेंड्स रिलेटिव के फ़ोन थे, मैंने सभी का हाल पूछा, सभी का। और जो जो मैंने उपाय किया था बचने का, खांसी का या बुखार का, जो भी है, मैं सबको व्हाट्सअप करके करती थी कि आप ज़रूर ये केयर कीजिएगा और अपनों को मतलब इससे बचाइएगा। लेकिन बदले में आप यकीन करेंगे, लोग मुझे बस फॉर्मेलिटी के लिए, अगर भले ही पूछ लिए कोई कि हाँ तुम भी ध्यान रखना या बेटी का ध्यान रखना, लेकिन एक जो होता है कि भाई मुझे कॉल आए कि भाई तुम्हारी तो सबसे छोटी बेटी है, तुम्हारा क्या हाल है, कैसे अपने आप को संभाल रही हो, फैमिली में भी प्रॉब्लम है, सही बोलूँ ये किसी के पास टाइम नहीं है। ये सब देख के मुझे सच में आश्चर्य लग रहा है कि चलो खास जो अपने लोग हैं उनको तो चलो प्रॉपर्टी के मामले में ये सब ऐसा कर रहे हैं तो समझ आ रहा है, लेकिन दूर वाले को सोचिए क्या बिगाड़ा है मैंने या मेरी बेटी ने, आखिर लोगों ने आखिर कितना क्या एक दूसरे के खिलाफ भड़काया होगा। मैं वो सोच सोच के हैरान हूँ कि मतलब लोगों ने कितना क्या बोला होगा मेरे खिलाफ, कि हाथ टूटने के बावजूद भी, सोचिए फोटो देखने के बाद भी अगर फ़ोन नहीं कर रहे हैं और मतलब कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, तो मैं हैरान हूँ कि सच में दुनिया में ऐसे लोग होते हैं। तो मैं यही आप लोग से जानना चाह रही हूँ कि आज सच में मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, कि सच में आप लोग के साथ भी, आप लोग के रिलेटिव फ्रेंड भी ऐसे कर रहे हैं क्या, कोई नहीं पूछ रहा है, मतलब जिनको मैं स्पेशल फ़ोन करके भी बोली कि हाँ मैं प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, सही बोलूँ पता नहीं क्या हो गया है लोगों को, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे जो मैं अकेलापन मुझे खल रहा है, क्या सच में लोग कहते हैं कोरोना के बाद बहुत लोग अकेले हो गए हैं, क्या सच बात है क्या, मुझे ज़रूर